Hare Krishna. Bhagavad Gita, Adhyaya number 10, Shloka number 38. Dando Damayanta Asmi Nitir Asmi Jigishatam Maunam Chaiva Asmi Guihanam Gyanam Gyanam Avatamaham Dandam Damayata Asmi Nitirya Asmi Jigeshatam Maunam Chaiva Asmi Guihanam Gyanam Gyana Yatamaham Danda Damayatam Asmi Nitirya Asmi Jigishatam Maunam Chaiva Asmi Guihanam Gyanam Gyanam Avamahyam Dando Damayatam Asmi Nitirya Asmi Jigishatam Maunam Chaiva Asmi Guihanam Gyanam Gyana Avamahyam Shabdanvat Dandaha Danda Damayatam Daman ke samasta sadhana mein se Asmi ho Niti Sadachar Asmi ho Jigishatam Vijay ki akyanka karne walon mein Maunam Chupi or Maun Cha Tatha Eva Bhi Asmi Ho Guihanam Rahasyame Gyanam Gyan Gyanvatam Gyaniyome Aham Mehu अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधन में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आख्यान के हैं उनकी मैं नीति हूँ रहस्य में मौन हूँ और बुद्धिमान में ज्ञान हूँ तात्पर्य ऐसे तो दमन के अनेक साधन है किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश जब दुष्टों का दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है किसी भी क्षेत्र में विजय की आज्ञा करने वाले में नीति की ही विजय होती है
सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरुसुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतमसवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदन सहगण ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। संध्याकालीन सत्संग में श्री श्री राधा रास बिहारी का तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवद गीता का जो अध्याय 10 है इसका शीर्षक है श्री भगवान के ऐश्वर्य। पहले जानना पड़ेगा भगवद गीता कितना अध्याय की है। 18 अध्याय को बंटन किया गया है, 3 भाग में बंटन किया गया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 6 अध्याय पहले से, 6 अध्याय कर्मयोग और 7 से 12 भक्ति योग, 13 से 18 ज्ञान योग, 3 भाग में विभक्त किया गया है। तब फिर ये जो अध्याय नंबर 10 चल रहा ही है, भगवान सब में, भगवान स्वयं बोलते हैं मैं सब में हूँ, ये ऐश्वर्य दिखाते हैं और भगवान सड़ा ऐश्वर्यपूर्ण है। तब इसे जानना चाहिए भगवद गीता बहुत संसार में लोग को मालूम नहीं है जो कि भगवद गीता क्या है और भागवत क्या है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर क्या है। गीता भगवान का द्वारा और भागवतम भगवान का बारे, ये 2 शब्द से व्यक्ति को समझ जाना चाहिए क्या अंतर है। भगवद गीता कृष्ण अर्जुन संवाद है और भागवत जो है सुख परीक्षित संवाद, इसलिए गीता भागवत में इतना ही अंतर है। लेकिन गीता हम लोग के लिए उपदेश दिया जा रहा है जो कि हमारा मोह माया को खंडन करने के लिए। संसार में लोग बोलते हैं भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए दिया गया, ऐसा नहीं, भगवद गीता हम लोग के लिए। भगवद गीता को पढ़ने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है और भगवद गीता प्रत्येक दिन जो व्यक्ति पढ़ता है वो पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान गीता महात्म्य में कहते हैं भारतामृत सर्वस्व विष्णुभक्तरा दिनीसुता गीता गंग दगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और ये भारत का अमूल्य रत्न है जो कि भगवद गीता, ये भारत में ही पैदा हुई, लेकिन भारतीय लोग भी भगवद गीता नहीं पढ़ के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? गीता नहीं पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ते हैं? सुबह का भगवद गीता आता है, जो सुबह का भगवद गीता, क्या भगवद गीता है? सुबह का भगवद गीता नाम देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज़पेपर, न्यू मतलब नया, काल का बाद आज पढ़ेंगे, नया है, 10 दिन का घटना आज पढ़ रहा है, नया है, उसमें है नहीं कुछ देश विदेश का घटना। और देश विदेश का घटना पढ़कर करेंगे क्या?
सुबह से शाम तक इसको पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और दूसरा देश का बारे में सुनते सुनते थक भी जाते हैं, सुनते सुनते फुल टेंशन भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें है क्या, सारा कूड़ा कचड़ा भरते हमें सिर पे और फुल टेंशन। पढ़ो शास्त्र भगवद गीता, ये अमूल्य रत्न है जिसको पढ़ने मात्र से हमारा कलमसा ऑटोमेटिक साफ होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता महात्म में कहते हैं, मलिनम मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृतस्थानम संसार मलनासनम। संसार से मुक्ति होना चाहते हैं तो भगवद गीता पढ़िए। गीता रूपी भगवान का कृष्ण का मुख से निकली ही भगवद गीता, और भगवान का चरण कमल से निकला क्या, माता गंगा। ये दोनों समान है। गंगा जल में डुबकी लगाने मात्र से संपूर्ण पाप नाश हो जाता है, लेकिन हर दिन हमें गंगा में डुबकी लगा नहीं सकते, लेकिन हर दिन क्या कर सकते, भगवद गीता को पाठ कर सकते। और जिसी घर में, फिर भी कहते हैं जिसी घर में भगवद गीता रहते हैं भगवान वहीं विराजमान होते हैं। चार जगह छोड़ के भगवान दूर नहीं जाते, जहाँ पे गीता और भागवतम, जहाँ पे तुलसी पौधा, जहाँ पे गौ माता, जहाँ पे प्रभु का नाम कीर्तन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन लोग फिर भी भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे इसलिए कहते हैं, मैं दंड देने के लिए आता हूँ। पहले बोल रहा है दंडम शब्द आया, ये दंड का ऊपर बताऊँगा तो पूरा आपको 2 घंटा बैठना पड़ेगा। भगवान कितने अस्त्र, कभी कृष्ण भी अस्त्र नहीं उठाते हैं, भगवान राम आए अस्त्र उठाए, और कृष्ण अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाए, और चैतन्य महापुरुष भी अस्त्र नहीं उठाया, दे रहा है दोनों हाथ में, दे रहा है ले लो, आपका संपूर्ण जो शत्रु आपका अंदर बैठा है, ये शत्रु को दमन करने के लिए, आपका अंदर जो शत्रु है शत्रु को दमन करने के लिए मैं दे रहा हूँ। संसार में कोई किसी का शत्रु बाहर नहीं है, पहले समय में थे, पहले युग में ऐसा था और वो टाइम पे बहुत सारा शत्रु, लेकिन अभी शत्रु आपका अंदर है। क्या है सबसे बड़ा शत्रु, क्या है कौन बताएंगे, सबसे बड़ा शत्रु आपका अंदर बैठा है कौन है, मान। शरीर का अंदर 11 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, और राजा कौन है, मान। मान एक ही है ना, 2 है ना, 5 है ना, 10 है, कितना है, और एक ही जगह पे रहता है ना और दूसरा जगह पे, ये हमेशा घूमता रहता है, 2 घंटा में 2000 किलोमीटर दूरी पर घूम कर आएगा, लेकिन मन एक ही है। एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग आपका घर पे चाबी लगाते हैं, ताला एक ही होता है, ताला एक ही होना रहता है, एक भी चाबी है, इसी चाबी में खुलेगा इसी चाबी में बंद होता है, सही, एक ही है चाबी, उसी में खुलेगा उसी में बंद होगा, राइट साइड में घुमाओगे तब क्या होगा, बंद हो जाएगा, बाईं तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, खोल जाएगा, नॉर्मल है। इसी प्रकार हमारा मन एक ही है, मन को जैसा लगाओगे जिस प्रकार काम में लगाओगे, इसलिए कहते हैं मन है वह मनुष्यम कारण बंधम का बंधा है विषय संग मुक्त निर्विषय मन। ये मन को प्रभु का भक्ति में लगाते हो, प्रभु का नाम लेते हो, प्रभु को प्रणाम करते हो, प्रभु का दर्शन करते हो, तब क्या होगा, आप कृष्ण के पास चला जाओगे, सरल उपाय है। और वही मन को विषय भोग में लगाते हो, विषय मतलब शरीर और संसार, ये है विषय भोग। सारा संसार लोग 2 चीज का पीछे भागते हैं, संसार नहीं तो शरीर, शरीर को कैसा ठीक रखना है और संसार का प्रति आसक्त, ये दोनों को दोनों नाशवान है, और नाशवान का पीछे सारा जगत भाग रहा है, ना शरीर रहेगा ना संसार रहेगा, जानना चाहिए। ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहा है किसके लिए कर रहा है, शरीर के लिए, शरीर के लिए खा रहा है, शरीर के लिए पी रहा है, शरीर के लिए झूठ बोल रहा है, शरीर के लिए चीटिंग कर रहा है, शरीर के लिए मर्डर भी कर रहा है, किसके लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा का साथ एक ही चीज जाता है जो कि प्रभु का भक्ति है, कितना प्रभु का भक्ति किया, सिंपल है, प्रभु का भक्ति कितना किया, और कुछ संसार से कुछ नहीं जाने वाला। लोग झूठ झाड़े बोल के करोड़ों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी करते जा रहा है, और इसी शहर पे वृंदावन में जो लोग आते सब दान दे देते हैं, बांको बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, सब दे देते हैं, नहीं देते तो चोर ले लेता है ऑटोमेटिक, वहाँ पे बहुत चोरी होता है इसी। लेकिन जान लेना चाहिए संपत्ति हमारा नहीं है,
ये सब कुछ है भगवान का। सब कुछ किसका है बोलिए, फिर भी हमारा मुख नहीं खुल रहा है, हमें कितना कंजूस हो रहा है। ये संपत्ति है प्रभु का, फिर भी हमें प्रभु का संपत्ति को भी ले रहा है। भगवान भगवद गीता 3:12 श्लोक को पढ़ लीजिए, मैं अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भगवान भगवद गीता में 3:12 श्लोक में क्या बोला, और 12 श्लोक का अनुवाद का लास्ट एक ही शब्द बताए, अनुवाद का पढ़ोगे लास्ट में एक शब्द बताए, बोले सारा संसार का लोक चोर है। अरे इतने बड़े बात क्यों कहे, आप खुद को पूछिए, आप खुद को पूछिए, सारा संपत्ति है किसका है, किसका है, प्रभु का, प्रभु का है सारा संपत्ति का। प्रभु का होने के नाते हमें ये धरती को स्पर्श करते हुए ऑटोमेटिक हमें सारा संपत्ति को कब्जा कर लिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब कब्जा कर लिया। और कब्जा करोगे तो दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान जो बात कहे ये क्या गलत कहे, सारा संपत्ति प्रभु का है कि नहीं है, प्रभु का संपत्ति को हमें कब्जा करके बोलते ये मेरा है, इसलिए भगवान कहे सारा संसार का लोग चोर है, ऑटोमेटिक हमें सब कुछ ले रहा है। पवन देव हवा दे रहा है, सूर्य लाइट दे रहा है, इंद्रदेव बारिश दे रहा है, ये किसका संपत्ति है, सब कुछ प्रभु का है। प्रभु का संपत्ति प्रभु का सेवा के लिए, हरि का संपत्ति हरि का सेवा के लिए। ये शरीर भी हमारा नहीं, ये शरीर नहीं भगवान ने दिया, और शरीर किसके लिए, भगवान का सेवा में लगना चाहिए। शरीर जब तक भगवान का सेवा में नहीं लगता है तब तक ये शरीर पवित्र हो नहीं सकता है। हमें शरीर को पवित्र करने के लिए कितना भी उपाय पांच ले, हमें कितने भी उपाय कर ले, गंगा में 50 से स्नान कर ले, मंदिर में 50 से आए जाए, पवित्र होने वाले नहीं। मंदिर पर आकर करना क्या चाहिए जानना चाहिए। मंदिर पे आते हैं तो पहले दरवाजा का पहले आने का पहले दरवाजे का पास प्रणाम करें, इसके बाद भगवान को दर्शन करते तो पहले साष्टांग प्रणाम करें। श्रद्धा और भक्ति और प्रेम के साथ कोई प्रणाम करता है तो उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है, प्रमाण दिया गया महाभारत में, ये प्रमाण है। भगवान को श्रद्धा और प्रेम और भक्ति के साथ कोई प्रणाम करता है 10 यज्ञ करने वाले का फिर भी पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं है। फिर भी हम लोग आते हैं तो प्रणाम नहीं करते खड़े, प्रमाण दिया गया मंदिर पे आके भगवान को प्रणाम नहीं करते खड़े रहते हैं, भगवान इसको नेक्स्ट लाइफ में पेड़ का शरीर देते थे, 50,000 तक खड़ा रहो। भगवान का आया तो इमीडिएटली साष्टांग प्रणाम करना चाहिए भगवान को। भगवान का मंदिर पे आके भगवान का कथा नहीं सुनते हैं तब क्या बनाएंगे भगवान, बेहरा बना देते हैं। भगवान का मंदिर पे आके भगवान कीर्तन नहीं करता है, ताली बजा के भगवान का नाम नहीं करता है तब क्या बनाएंगे भगवान, गुंगा बना देते हैं। इसलिए भगवान का पास आए तो कम से कम जान लेना चाहिए, थोड़ा भगवान का बारे में सुने, थोड़ा भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान को प्रणाम करें, तो हमारा आत्मकल्याण होगा। ये नहीं हमें शरीर कितने रोमांच करते हैं, कितना सेंट पेंट क्रीम लगा कर फेस चलाते हैं, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं देता है। इसलिए भगवद गीता में हर चीज़ वर्णन है पहले, इसलिए ये जो शब्द आया दंडम, ये दंड देते हैं, और दंड देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन किसको दंड देते हैं और किसको दंड नहीं देते हैं भगवान भगवद गीता 4:8 में बताए। 8 श्लोक प्रत्येक व्यक्ति का घर का सामने नोटिस बोर्ड में लगा होता था, अभी है नहीं, अभी का नोटिस बोर्ड में लगा हुआ, कुत्ते प्रति सावधान, मैं ये घर का अवधान, पहले जवान में लिखा होता है, परित्रणाय साधुना विनाशय च दुष्कृताम धर्म संस्था पनर्था है संभवामी जुगे जुगे। साधु को रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, पहले शब्द बताए परित्रणाय साधुना, साधु को रक्षा करने के लिए मैं ही धरती पे आता हूं, और दोनों काम एक ही साथ में हो जाता है, साधु को जब रक्षा करेंगे और दुष्ट को विनाश करते हैं, दोनों काम एक ही साथ में, हिरण्यकश्यप को मारे और प्रहलाद को गोद में बैठाए एक ही साथ में, कल्पना नहीं कर सकते ये चीज़ को, हमें समझ नहीं सकते क्योंकि जड़ शरीर में जड़ इंद्रिय में जड़ बुद्धि से भगवान को इतना आसान नहीं समझने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, साधु संग करेंगे, गुरु का आदेश को फॉलो करेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे, तब ऑटोमेटिक ये सारा चीज दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ऑटोमेटिक प्रकाशित होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो कहते हैं ये निश्चिंत है, और फिर कहे हैं यहाँ पे एक ही चीज कहे हैं मौन।
लेकिन कलयुग में मौन होना आसान, कलयुग में बकवास करने के लिए आसानी है, कितने भी बकवास करते जाओ, इधर उधर बात करते जाओ, इसके लिए समय दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा भगवान का नाम लो, नहीं हो सकता है। कभी मौन में व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, प्रमाण दिया जाता है ज़्यादा बोलने वाले का व्यक्ति का उम्र घट जाता है ऑटोमेटिक। ये विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया विदुर नीति में, ज़्यादा बोलने वाले का उम्र ऑटोमेटिक घट जाता है। और सूर्य उगने का पहले व्यक्ति नहीं जागता है, सूर्यदेव ने उसका आयु को घटा देते हैं ऑटोमेटिक, सब आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्यों अभी हमें उम्र में देख रहे हैं जवानी है, वहाँ से जो कुछ चाहिए ऐसा कर सकते हैं। पहले हमारा घर गृहस्थी चलना चाहिए, भगवान के पास से पहले आते थे मांगना चालू करते हैं हमको चाहिए। कुंती महारानी ने मांगा नहीं, मांगा तो एक ही चीज़ दुख चाहिए, क्या मांगा दुख चाहिए। संसार में कोई आके भगवान के पास से दुख मांगता है? कोई भी 99% लोग क्या मांगते हैं, सब कुछ चाहिए, धनम चाहिए, गाड़ी में चाहिए, पत्नी में चाहिए, बच्चे चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, सब चाहिए, और भगवान को कुछ देने का नहीं है, भगवान से सब लेने का, सब कर्ज लेने का, लोन चुकाएगा नहीं, हाँ लोन चुकाएगा नहीं फिर। इसलिए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का साथ दो बैंक अटैच है, समझ लीजिए अभी से, दो बैंक प्रत्येक व्यक्ति का साथ अटैच है जन्म का होने का पहले। इसलिए कहते हैं पहले प्रारब्ध ना पहले शरीर, बताइए पहले प्रारब्ध ना पहले शरीर, कौन पहले बनता है? पहले प्रारब्ध, प्रारब्ध का अनुसार शरीर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये जान लेना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति धरती को स्पर्श करने का पहले सब व्यक्ति के साथ दो बैंक अटैच है, एक ही पाप का बैंक है एक ही पुण्य का बैंक है, और ये बैंक कभी भी आप खोल नहीं सकते, और एक दिन खोलेगा जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल के जाएगा, और वो बैंक का खाता ओपन होगा और वो खाता से पता लगेगा कितना पुण्य किया कितना पाप किया, और इसको कहाँ भेजना है, कौन सा शरीर देना है, और कभी डिलीट नहीं होता है। अभी आपका मोबाइल में कितना भी नंबर यू फीडिंग करी रखा है, हो सकता है इधर उधर हुआ तब डिलीट हो जाएगा, नहीं तो और दूसरा कोई दबा दिया डिलीट हो गया, लेकिन वो पाप का बैंक और पुण्य का बैंक से कभी डिलीट नहीं होता है, और कोई डिलीट करने वाले है नहीं, एक व्यक्ति के हाथ में वो रजिस्टर फाइल मेंटेन होता है, इसका नाम है चित्रगुप्त, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सीक्रेट डायरेक्टर पीछे बैठा है। इसीलिए हमें इससे बचने के लिए उपाय क्या है, प्रभु का भक्ति। इसीलिए ये संस्था सारा विश्व में एक ही संस्था की, जो कि सारा विश्व में कृष्ण भक्ति को प्रचार कर रहा है, हजार हजार संस्था खोला गया सारा विश्व में आप देख लीजिए, लेकिन एक ही संस्था किस प्रकार मेंटेन करके प्रचार करता है, हर व्यक्ति खुद आचरण करता है दूसरा को सिखाता है। बहुत सारी संस्था है उच्चारण करने वाले, आचरण आय नहीं है जीवन में, सब संस्था उच्चारण करने वाले, सब ठगने के लिए बैठे हैं, लेकिन संस्था करके दिखाता है। शिल प्रभुपाद ने खुद करके दिखाया और खुद किया, और शिल प्रभुपाद ने जो किया सारा विश्व का लोग मिल भी जाएं, सारा विश्व का पैसा को इकट्ठा भी कर दें, फिर भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद का जय ध्वनि हजार बार भी दिन में देने से फिर भी हम लोग के लिए कमी पड़ जाएगा। शिल प्रभुपाद ये संस्था के लिए कितना मेहनत किए, और कभी कभी अलग अलग जगह में जब बोलता हूँ प्रभुपाद के बारे में मेरा दिल सहन नहीं होता है। हमें प्रभुपाद को देखा नहीं, लेकिन प्रभुपाद का किताब पढ़ के हमें सहन नहीं होता है, प्रभुपाद ने कितने स्ट्रगल किए हैं। अभी घर पे कुछ परेशानी हो जाते तो हम पूरा ये हो जाते एक ही घर को संभालने के लिए, और सारा विश्व में ये संस्था को बना के, सारा विश्व में ये भगवान का भक्ति को दिलाना, सारा विश्व में 10,000 शिष्य को एक ही मुठा में रखना, सारा विश्व के लिए ये 60 किताब जो किताब में निचोड़ है, कोई भी गलतियां नहीं निकल सकता है, वो किताब को पढ़ के देश विदेश का लोक भक्त बन रहा है, और सारा विश्व में 108 मंदिर बनाया, एक मंदिर एक ही घर बनाने के लिए आप लोगों को 40 साल बीत जाता है, 10 साल सोचने में, 10 साल पैसा इकट्ठा करने में, 10 साल बनाने में, और 10 साल के अंदर आपको गृह प्रवेश में,
ये लग जाता है 40 साल, ये जान लेना चाहिए। और लेकिन शिला प्रभुपाद ये संस्था को बनाया 40 रुपया में, ये संस्था 40 रुपया से शुरू हुआ। ये सब कुछ कृष्ण का ऊपर डिपेंड, कृष्ण का कृपा का ऊपर डिपेंड। लेकिन हमें कृष्ण का ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आज का दुनिया में लड़के लोग को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, नो डिपेंडिंग हस्बैंड, वो हस्बैंड का ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट में जीवन बिता नहीं सकता है, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, हमेशा के लिए कृष्ण का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और कृष्ण का कृपा प्राप्त करना पड़ेगा, कृष्ण को प्रार्थना करना पड़ेगा। कृष्ण का चीज को हमें ले रहा है इसलिए कृष्ण को प्रार्थना करना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद उनका कृपा, प्रभुपाद हमेशा कृष्ण का भजन में, प्रभु का नाम कीर्तन में और प्रभु का शास्त्र अध्ययन में, प्रभु का ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिए। आप जैसा चलाना, जब विदेश में गए तो कोई नहीं है, प्रभुपाद देख के आश्चर्य हो गए, बोले क्या करूं, विदेश में मेरा बात कोई सुनेगा? इतना उम्र की 70 साल था, अभी का 70 साल में तो आपको लाठी लेना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, 70 साल में जाके विदेश में। और जो लोग नंगा घूमते थे, ड्रेस नहीं है, जो लोग पानी का बदले में दारू पीते थे, जो लोग कभी जिंदगी में नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, जो लोग कभी स्मोकिंग भी नहीं छोड़ सकते, वो लोग को भक्त बनाकर, भक्ति दिला के वृंदावन धाम पहुँचाया। हमें कल्पना नहीं कर सकते प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन, इस प्रकार जानना चाहिए और सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। शास्त्र को पढ़िए, सब कुछ शास्त्र में मेंशन है। पहले भगवद गीता में जो दिया गया है पहले जानना चाहिए, हम है कौन। जब भी वृंदावन में लेक्चर देता हूँ, 4 प्रश्न का ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आलोचना करता हूँ। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, 4 प्रश्न का उत्तर जब तक व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, वो व्यक्ति क्या बोला जाएगा, अज्ञानी, नहीं तो मूर्ख, नहीं तो पागल। और हम एक ही प्रकार की अज्ञानी है, और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र ही चाहिए, साधु ही चाहिए, गुरु ही चाहिए। और गुरु ऐसा नहीं बनाना, कोई ड्रेस पहनने वाले गुरु नहीं बन जाते, 1000 साल से दाढ़ी मूछ रखने वाले गुरु नहीं बन जाते हैं, और गुरु कभी जेल नहीं जाता है, ये समझ लीजिए। आजकल का गुरु को हम इसी प्रकार बना के टीवी में देख लिया, ये कोई जंत्र मंत्र कर लिया बस है गुरु बन गए, ऐसा नहीं। गुरु आचरण से गुरु बनता है, सत आचरण, सत शिक्षा, सत उच्चारण करता है और आचरण करता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहे, जज्जत आचर्य श्रेष्ठ से तत्त एवद्र जना सज्जत प्रमाण कुरुते लोकस्तर वर्तते। आचरण, गुरु का आचरण को देखो, फिर भी आप नहीं देख पा रहा है, उन्होंने जो लिखा हुआ किताब इसको देखो, और खुद आचरण कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उनका जो डिसाइपल शिष्य लोग है उनसे मिल के देखो, तब मालूम पड़ेगा। चलो प्रभुपाद इस संस्था का संस्थापक आचार्य है, उनको हमें 50 बार नहीं, दिन में 100 बार भी प्रणाम करने से फिर भी हमारा कमी पड़ी जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। इसलिए आप लोग जो भी इसी मंदिर पे आते हैं बहुत भाग्यवान, हर व्यक्ति भी लोग मंदिर भी नहीं आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, उनका मन का विचार क्या है, वो मंदिर भी नहीं आते हैं। और बाई चांस मंदिर पे आते हैं तो करते क्या, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ये बड़ा पाप, आप लोगों को मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। पहले समय पे क्या होता था, सुबह उठ के पहले हस्तकमल को देख के मंत्र पाठ करते थे, सही, क्या बोलते थे, कराग्रे बसती लक्ष्मी, करा मध्य सरस्वती, करा मुले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये मंत्र पाठते थे। लेकिन अभी का टाइम पे कारागृह मोबाइल फोनम, कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मुले च फेसबुकम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम, सही, अभी ये रिवाज आ चुका है। सुबह उठते तो पहले मोबाइल, ये मोबाइल हमारा साथ देगा, सोचो, थोड़ा भगवान का बारे में चर्चा हो, थोड़ा मोबाइल को छाइड कर बैठे, नहीं,
जेब में पूरा हाथ में पकड़ के बैठेंगे, दैट इज माया। जब इसको लेते हैं, दो मिनट में कोई कॉल आ गया, आपका मन गीता क्लास में लगेगा, बताइए लगेगा कि भागवत क्लास में लगेगा, भगवान का चरण में मन लगेगा, दो सेकंड में हट गया। इसलिए थोड़ी समय साइड की रखो, कम से कम माया से बचने के लिए थोड़ी समय प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का नाम लो, थोड़ी समय गीता पढ़ते हो घर पे। फिर भी आप लोग घर पे रहते हो, घर पे क्या करना चाहिए, भगवान का पूजा का टाइम में मोबाइल स्विच ऑफ करना चाहिए, नहीं तो साइलेंस में रख लो, पूजा होगा तब जाकर बात करना है। पूजा का टाइम पे, पूजा के साथ में, यहाँ पूजा करें बाई चांस आया तो बात है, पूजा में वहाँ डिस्टर्ब हो गया, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे। बाई चांस कृष्ण आ गए, आप दूसरा मोबाइल में बात किया तब कृष्ण वहीं से वापस चला जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक चला जाएंगे। ये जानना चाहिए, ये हर चीज़ अभी बताने का समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। लोग अज्ञान रूप काम कर रहा है, जानते हैं ये करने से पाप है, ये करने से पुण्य है, जानते हैं फिर भी, जानते ही आग जल रहे हैं, हाथ घुसाने से जलेगा, लेकिन फिर भी वही काम कर रहा है। कितने व्यक्ति को समझाओ, फिर भी लोग नहीं समझेंगे। भारत तो पूरा नीचे जा रहा है, जो भारत भूमि में नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अभी पाँच मिनट रहा, पाँच मिनट में आपको भारत का बारे में बता रहा हूँ, जो अमूल्य धरती है, जिसका मूल्य को भगवान भी बोल नहीं सकते। ये धरती को पवित्र करने के लिए, और धरती पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि भारत है, ये भारत भूमि में फिर हमारा जन्म हुआ, ये जान लीजिए। क्यों पवित्र है? भगवान ये धरती पे स्वयं आए पहले। दूसरा है 66 अरब तीर्थ भारत में, कोई तीर्थ विदेश में नहीं है क्या? कोई विदेश जाता है तीर्थ करने के लिए? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, नहीं तो हिंदुस्तान। कौन सा स्थान जाता है? हिंदुस्तान में ही सारा तीर्थ है, 66 अरब तीर्थ भारत में। और जितने सब साधु महापुरुष संत आए, कहाँ पे आए? भारत में। 7 नदियाँ पवित्र नदियाँ है, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, 7 नदियाँ पवित्र है, ये सब भारत में बह रहा है। कितने पवित्र भूमि है, और पवित्र भूमि पर स्वयं हम आए हैं, और कर्म क्या कर रहे हैं? अपवित्र। कैसा अपवित्र कर्म कर रहे हैं? और हर व्यक्ति को ये अपवित्र का कर्म का फल करंट लगेगा, जरूर लगेगा। कैसा? अभी संसार में जब हमें धरती को स्पर्श करते जन्म लेता है, माँ बच्चे को जन्म देता है, जन्म देने के बाद बच्चा माँ से दूध पीता है, पीने का नाते कितना साल तक माँ बच्चे को कितना साल दूध पिलाता है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, नहीं तो 2 साल, ठीक है। लेकिन इस सारा लाइफ के लिए एक ही माता दूध पिला रहा है, कौन? सारा लाइफ के लिए दूध पिलाती है, कौन? आवाज़ नहीं आ रहा है, हमें उसको बचा रहा है। आप खुद सोचिए कितने बड़े पापी हमें बन चुके हैं। हम बोलते हैं मैं भारतीय है, हमारा कर्तव्य है गौ माता को पहले सुरक्षा दीजिए। गौ माता का एक बूंद खून गिरने के नाते भारत भूमि में ये भूमि माता भी रोता है, और भूमि माता प्रोडक्शन नहीं देगा और नहीं दे पा रहा है। अभी का समय में भारत में लोग भगवद्गीता नहीं पढ़ रहे, और भगवद्गीता भी बहुत सारे लोग का घर पर नहीं है, और फिर भी है नहीं पढ़ रहा है। लेकिन आप अभी नीदरलैंड चला जाइए, 5वां क्लास बच्चे को भगवद्गीता पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट है। रशिया में हर स्कूल कॉलेज में सब्जेक्ट हो गया भगवद्गीता पढ़ने के लिए, और भारत में ये कमी हो रहा है। कोई बाई चांस बच्चे पढ़ रहा है ना, पिता माता बोल रहे हैं ये बाबा जी बन जाएगा, नहीं नहीं भगवद्गीता अभी नहीं पढ़ने का, बुढ़ापा का टाइम में भगवद्गीता पढ़ा जाता है। बुढ़ापा का टाइम में कोई दिखाई नहीं देगा, कान में घुसेगा नहीं और मुँह खोलेगा नहीं, क्या भगवद्गीता पढ़ेगा? इसलिए बचपन से बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, ये कल्चर है, ये भारत का कल्चर है। पहले बच्चे को शिक्षा दिया जाता था भगवद्गीता पढ़ने के लिए, अभी का टाइम पे इसको बैन किया जा रहा है। दैट इज नॉट अ रियल पिता माता। ऐसा माता बनाओ, ऐसा माता होना चाहिए जैसा सुनीत जैसा माता, ऐसा भाई होना चाहिए राम जैसा भाई, ऐसा पिता होना चाहिए ऋषभ देव जैसा पिता, ऐसा पिता होना चाहिए। पिता पुत्र को बोलता है तपस्या करने के लिए, ये क्लियर है। लेकिन अभी का समय पे ऐसा भाई है
ना ऐसा माँ है, ना ऐसा पिताजी है, ये जानना चाहिए। बहुत सारा चीज़ हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आप लोग जो भी ये मंदिर पे पहली बार आए हैं ये जान लीजिए। और हमारा बहुत सारा बुक स्टॉल है, कम से कम कुछ ना कुछ, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, कोई भी किताब एक लेकर जाइए अपना जीवन में, देखिए एक छोटी से किताब पढ़ के लोग भी भक्ति करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा अच्छा किताब है जन्म मृत्यु से परे, पढ़िए एक एक छोटी से किताब को पढ़िए, कितने इसमें रहस्य दिया गया, और जान लीजिए आप कौन है, इसमें संपूर्ण वर्णन है। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जान लोगे। शरीर का अंदर आत्मा रहता है तब शरीर बढ़ता है, शरीर का अंदर आत्मा नहीं रहेगा शरीर सड़ेगा, दोष एक ही। इसलिए वो किताब को पढ़िए। और एक किताब है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, वो किताब पढ़िए। नहीं है तो भगवद गीता पढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर नित्याय की।